हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी। स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी में जैसे कि आपने देखा था पहली वाली वीडियो में कि स्ट्रैडल में हम लोग एक कॉल लेते हैं और एक पुट ऑप्शन दोनों बाय करते हैं। सेम एक्सरसाइज प्राइस में कर रहे थे हम लोग स्ट्रैडल में, लेकिन अभी स्ट्रैंगल में क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे हम लोग खरीदेंगे। इसमें भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, या मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या फिर मार्केट बहुत नीचे आने वाला है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि डायरेक्शन कौन सा होगा। सो वाइड फ्लक्चुएशन मार्केट में आने वाली है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन। हमने एक कॉल खरीदा है और एक पुट खरीदा है, फिर डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस पे खरीदेंगे एंड सेम मैच्योरिटी पीरियड ऑन सेम असेट। अगर मैं रिलायंस का ले रही हूँ 3 मंथ्स का, तो मैं 3 मंथ्स का रिलायंस का पुट भी लूँगी। एक कॉल और एक पुट दोनों का मैच्योरिटी पीरियड सेम होना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज प्राइस डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। वाइड फ्लक्चुएशन, नॉट श्योर अबाउट डायरेक्शन, वी बाय वन कॉल एंड वन पुट एट डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस फॉर सेम मैच्योरिटी पीरियड ऑन सेम असेट। अच्छा, अभी हम लोगों को सस्ता प्रीमियम जहाँ पे होगा, कॉल में जिसमें सस्ता प्रीमियम होगा वो कॉल एक खरीदेंगे, जो पुट में प्रीमियम सस्ता होगा वो खरीदेंगे। मैंने यहाँ पे ख़राब वाला लिखा है, मतलब ये जो है सस्ता वाला होना चाहिए। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज़ लेस देन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस जो होना चाहिए, यह कंडीशन है स्ट्रैंगल का कि एक्सरसाइज प्राइस जो है वो कॉल ऑप्शन का कम होना चाहिए एक्सरसाइज प्राइस के पुट ऑप्शन में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन स्ट्रैंगल इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन स्ट्रैडल। क्योंकि हम ये प्रीमियम जो है वो हम लोग सस्ते में ख़रीद रहे हैं ना, तो हमारा ये जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। पहले में 95 था, इसमें कितना कॉस्ट है, हम लोग कौन से ख़रीद रहे हैं, एक अभी ये ऑप्शन दिया है रिलायंस का, एक्सरसाइज प्राइस है 1100 एंड 1200, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 80, 55 एंड 35, पुट ऑप्शन में 25, 40 और 55। तो इसमें कॉल में सस्ता कौन सा है, 35। प्रीमियम देखना है हम लोगों को कि प्रीमियम कहाँ पे सस्ता है। यहाँ पे सस्ता है तो 1200 का एक कॉल ख़रीदेंगे, यहाँ पे प्रीमियम पुट का सस्ता है तो हम 1000 पे ख़रीदेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे प्रीमियम सस्ता है वही कॉल हम लोग, वही पुट हम खरीदेंगे, जहाँ पे कॉल का भी सस्ता है वही खरीदेंगे। अभी हम लोग ने क्या किया, एक कॉल ख़रीदा 1200 का और एक पुट ख़रीदा 1000 का। ठीक है, ये वाला पुट हमने ख़रीदा है और ये कॉल। अब मार्केट में एक्सरसाइज कब करेंगे कॉल ऑप्शन, जब 1200 से ऊपर जाएगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे, और पुट ऑप्शन का भी एक्सरसाइज करेंगे जब ये मार्केट में नीचे आएगा। अब इसका हमने प्रीमियम पे किया 35 और 25, टोटल 60, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी 60। हमेशा याद रखना, कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन का ब्रेक इवन पॉइंट जब निकालेंगे तो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस 1200 प्लस 60 प्रीमियम 1260, और पुट ऑप्शन में माइनस करते हैं, कॉल ऑप्शन में प्लस और पुट ऑप्शन में माइनस, स्ट्राइक प्राइस प्लस माइनस प्रीमियम, सॉरी हाँ, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम 1000 माइनस 60, 940। अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये जो लाइन है ये मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे प्रॉफिट और ये लॉस। हमने ख़रीदा है दोनों कॉल और पुट, तो नीचे हमारा कॉस्ट आएगा, मैक्सिमम कॉस्ट इज 60, तो ये 60 पे हम लोगों ने डायग्राम पे दो जगह पे डाला है। एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे दो है, एक है 1200 और एक है 1100, तो पहले 1100 लिखेंगे फिर 1200। अगर मार्केट में 1000 से नीचे जा रहा है, 940 टच करेगा, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया पुट ऑप्शन का। इससे नीचे जाएगा तो मैं पुट एक्सरसाइज करूँगी, तो मैं प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, तब तक मुझे लॉस ही रहेगा। ठीक है, 60 मैक्सिमम लॉस, और धीरे धीरे लॉस कम होते जाएगा, 940 पे टच करेगा, उसके बाद और नीचे जब जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगी और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट में 1200 से मार्केट बढ़ रहा है, 1260 पहुँचेगा, ये मेरी ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे मैंने प्लॉट अलॉट की है,
तो ये 1260 से जब ऊपर जाएगा तो मैं कॉल को एक्सरसाइज करूँगी, कॉल एक्सरसाइज करूँगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को ये डायग्राम बनाना है। अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का। इस कंपैरिजन में आप देखोगे स्ट्रैंगल में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लॉस हो जाएगा। स्ट्रैंगल इज़ हैविंग मोर लॉस प्रोबेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इन स्ट्रैंगल इज़ लेस देन स्ट्रैडल। स्ट्रैडल हम लोगों को महंगा पड़ रहा था लेकिन स्ट्रैंगल में प्रीमियम कम था क्योंकि हमने सस्ता लिया था स्ट्रैंगल में। और लॉस प्रोबेबिलिटी इज़ मोर इन स्ट्रैंगल। देखो इसमें दो एक्सरसाइज प्राइस है, ये जो है बकेट के जैसे जो है वो स्ट्रैंगल है, ये स्ट्रैंगल है, और ये जो ऐसे वी में आ रहा है वो है स्ट्रैडल। तो इसमें दो एक्सरसाइज प्राइस के वजह से तो मार्केट यहाँ पे जा रहा है या यहाँ पे जा रहा है, तो भी ज़्यादा देर तक आप लॉस में रहोगे। और स्ट्रैडल में क्या होगा, एक ही पॉइंट है, एक ही एक्सरसाइज प्राइस है बाय कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का, तो ज़्यादा देर में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी प्रॉफिट से लॉस में जाने में, या लॉस प्रॉफिट में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन स्ट्रैंगल में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको रिकवर करने में। तो स्ट्रैंगल में ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दो एक्सरसाइज प्राइस है, प्रॉफिट में आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें स्ट्रैडल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का एक्सरसाइज प्राइस सेम है।